नमस्कार श्रेया, और आप देख रहे हैं जीएन भारत। वैसे आजकल झारखंड में ऐसा लग रहा है कि सीबीआई और ईडी अपना गढ़ भरा लिया है। वैसे तो इंडिया में 28 राज्य है, लेकिन झारखंड अभी सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट पे है। सेंट्रल एजेंसियां की मानो नजर झारखंड पे ही टिकी हुई है, जहां पूजा सिंघल पिछले 11 मई को हिरासत में ली गई थी। रेड पड़ा था उनके घर में ईडी का, बहुत पैसे बरामद हुए थे। उसके बाद मानो सीबीआई भी बहुत हरकत में आ गई है। कल विशाल चौधरी, अनिल झा के घर में छापा पड़ा, तो कुछ ही देर पहले प्रेम प्रकाश के घर में छापा पड़ा। एक के बाद एक नए नए नाम निकल के सामने आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हर जगह कहीं पैसे गिनने की मशीन आ रही है। तो ईडी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ और अब एक बड़ा मोड़ जो कहानी में आया वो यह है कि बंधु तिर्की जो कि विधायक रहे हैं मंडर के, उनके घर में सीबीआई का छापा पड़ा है। जी हाँ, आपको बताते चले कि अभी कल परसों में बिहार के 5 ठिकाने पे लालू प्रसाद यादव के घर में सीबीआई छापा पड़ा था, लेकिन इसके बाद अचानक सीबीआई झारखंड का रुख करती है और बंधु तिर्की के घर में छापा मारती है। वैसे आपको बता दें, आज सुबह 8 बजे से ही सीबीआई यहाँ अपने पूरे दल के साथ मौजूद है। सीआरपीएफ के जवान भी अंदर है, सीबीआई छापा जारी है। अभी तक किसी अधिकारी ने और ना ही अंदर के कोई सोर्स ने मीडिया से बात की है, क्योंकि बहुत ही समझ सकते हैं कि सीबीआई की कार्रवाई जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से होती है। इस वजह से बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से अंदर में सारी कार्रवाई चल रही है, जैसा हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इसके साथ ही क्या कुछ निकलेगा, क्या कुछ निकल के सामने आता है, ऐसा सुनने में आ रहा है, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज और कुछ जो पेपर्स है वो सीबीआई को हाथ लग सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकारी आवास पर, मुराबादी स्थित जो आवास है जिसके आगे हम खड़े हैं, उसमें कुछ बहुत ज़रूरी दस्तावेज निकलने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके साथ ही अभी कुछ देर पहले प्रेम प्रकाश, जहां एक तरफ ईडी लगी हुई है प्रेम प्रकाश के पीछे, जो भागने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पे उनको ईडी ने धर दबोचा और उनको धर दबोच कर उनके घर लाकर उनसे पूछताछ की गई है। तो ये सारी जो पहलू है ये साफ तौर पर बता रही है कि अब कोई बचने वाला नहीं है। अगर आप ये सोच रहे कि ईडी से बच के आप भाग जाएंगे, तो ईडी से बट के भागने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ईडी पकड़ के, एयरपोर्ट से पकड़ के आपको घर लेते आ रही है। कहीं ना कहीं झारखंड का भी इसलिए सियासी रूप बहुत ही गर्म है। कल कांग्रेस के ही राजेश ठाकुर ने भी कहा था, ये ईडी और जो सीबीआई है ये दोनों सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर काम कर रही है। अगर ऐसा नहीं है और ये पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, तो निशिकांत दुबे को कैसे पता चल जाता है कि कहाँ पर सीबीआई रेड पड़ने वाला है, कहाँ पर छापा पड़ने वाला, ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती है। सीबीआई से भी पहले निशिकांत दुबे ट्वीट करके बता देते हैं कि यहाँ पे प्रेम प्रकाश अब के पास सीबीआई ईडी जाने वाली है, और ईडी यकीनन उन्हीं के पास जाती है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव हो या जो हो, लेकिन सच तो ये है कि भ्रष्टाचारी अब नहीं बचेंगे। आज आपको बता दें, कुछ समय पहले बंधु तिर्की को जेल हुई थी, और 3 लाख रुपये गबन के मामले में उनको जेल हुई थी, और उनकी विधायकी भी चली गई थी। अब इसके बाद अब सीबीआई रेड के बाद क्या होता है बंधु तिर्की के पास, ये अपडेट हम आपको जरूर देते रहेंगे। अभी बंधु तिर्की सदमे से उभर नहीं आए थे कि उनकी विधायकी चली गई, अब सीबीआई का जो इनके ऊपर हमला हुआ है, इससे क्या कुछ जाएगा आने वाले में समय में देखना, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे जीएन भारत के साथ, जो पल पल की खबर आपको देते रहेगा। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।